तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स पिक अप द टर्म एलर्जी। सबसे पहले हम लोग एलर्जी शब्द की बात करें। एलर्जी इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड, एलेगोस। ग्रीक भाषा का एक शब्द है एलेगोस, और एलेगोस मीन्स होता है सॉन्ग ऑफ लेमेंटेशन, और मॉर्निंग सॉन्ग, MOURNING, मॉर्निंग सॉन्ग। और इफ यू सो लाइक यू कैन से सॉन्ग ऑफ मॉर्निंग। लेमेंटेशन या मॉर्निंग, इसको हिंदी में शोक कहते हैं या विलाप गीत कहते हैं या फिर विरह गीत कहते हैं। तो अंग्रेजी में जो एलर्जी है वो ग्रीक भाषा के एलेगोस से लिया गया है, और एलेगोस मीन्स सॉन्ग ऑफ लेमेंटेशन और सॉन्ग ऑफ मॉर्निंग। ये रचना या कोई गीत कब गाया जाता है? एलेजी इज संग आर कंपोज्ड ऑन द डेथ और परमानेंट सेपरेशन ऑफ समवन नियरर और डियरर। शोक गीत जब कोई अपना निकटवर्ती व्यक्ति, अपना कोई प्रियजन, कोई मित्र जब हमेशा के लिए हमसे बिछड़ जाए, तो उस बिछोह का दर्द जब शब्दों का रूप धारण करता है तो वही एलर्जी गीत बन जाती है। शोक गीत, विरह गीत या रुदन गीत बनता है। तो बेसिकली एलर्जी इज कंपोज्ड ऑन द डेथ ऑफ समवन नियरर डियरर और सम इंपॉर्टेंट नेशनल फिगर किसी राष्ट्रीय महत्व का अगर कोई व्यक्ति है, अगर उसकी भी डेथ हो जाती है तो उसकी भी मृत्यु के ऊपर जो गीत रचे जाते हैं उसको हम एलर्जी कहते हैं, राइट? लेकिन एक चीज का ये ध्यान रखिएगा, मैं ये आपको बताऊं कि एलर्जी में एक तरह की यूलोजी भी होती है। देयर इज एडमिक्सचर ऑफ यूलोजी एंड एलर्जी। एलर्जी में न केवल रुदन की बात की जाती है बल्कि मरने वाले व्यक्ति की यूलोजी कहते हैं प्रशंसा गीत को भी, उसको उसकी प्रशंसा भी की जाती है, और उसके अपने से हमेशा के लिए बिछड़ जाने के ऊपर जो शोक होता है उसको हम एलर्जी भी कहते हैं। तो एलर्जी में जो है दो चीजें, एक यूलोजी भी है और मॉर्निंग भी है। तो एलर्जी, कोई भी एलर्जी प्योर एलर्जी नहीं होती है, उसमें देयर इज आल्सो इनेविटेबली
द मिक्सिंग ऑफ यूलोजी एज वेल एज एलिजी। तो एलिजी में दोनों तत्व होते हैं, एक तो मरने वाले व्यक्ति की प्रशंसा भी की जाती है और हमेशा के लिए जो अपने से बिछड़ता है उसके लिए जो दर्द पैदा होता है, तो दोनों भाव होते हैं एलिजी में, एक यूलोजी का भी और साथ में एलिजी भी। तो आगे हम लोग चर्चा को आगे बढ़ाते हैं कि एलिजी वास्तव में प्राचीन यूनान में सबसे पहले किसने गाई थी। इन ग्रीक लिटरेचर, इन ग्रीक लिटरेचर इट वॉज फॉर द फर्स्ट टाइम, इट वॉज फॉर द फर्स्ट टाइम कंपोज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इट वॉज कंपोज्ड बाई कटलुस फॉर द फर्स्ट टाइम इट वॉज कंपोज्ड बाई कटलुस CATLLUS। मैं थोड़ा सा इसको और क्लियर कर दूं, CATLLUS कटलुस। पहली बार ग्रीक भाषा में एलिजी की कंपोजिशन किया था कटलुस ने। इन रोमन लिटरेचर, इन रोमन लिटरेचर इट वॉज प्रोपेगेटेड बाई इट वॉज प्रोपेगेटेड बाई ओविड। रोमन पोएट्री में इसको प्रोपेगेशन देने का काम ओविड ने किया था, लेकिन ग्रीक लिटरेचर में, ग्रीक पोएट्री में इसका पहला कंपोजिटर रहा है कटलुस। ओके, मैंने जब भी ये कहा कि एलिजी में दोनों तरह के भाव होते हैं, एक तो मरने वाले के प्रति संवेदना और उसके प्रति शोक का भाव, इसी के साथ साथ मरने वाले व्यक्ति की हम प्रशंसा भी करते हैं। मैं कुछ इस संबंध में और क्लियर करने के लिए कुछ बातें कहूं कि बिछड़ा कुछ इस कदर से की रुत हो गई उदास, बिछड़ा कुछ इस कदर से की रुत हो गई उदास, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। तो अगर इसमें देखा जाए तो मरने वाला जो शख्स है, जो इस समाज से हमेशा के लिए विदा लिया, तो उसके प्रति प्रशंसा का भी भाव है और उसके प्रति दुख का भी भाव है। हमें भी कह सकते हैं, आने को सदा दहर में आता नहीं कोई, तुम जैसे गए ऐसे भी जाता नहीं कोई। तो इन दोनों बातों में अगर देखा जाए तो प्रशंसा भी है और मरने वाले के प्रति संवेदना भी है। तो ये ध्यान रखिएगा कि एलिजी में केवल और केवल रुदन ही नहीं है, बल्कि उसके प्रति, मरने वाले के प्रति प्रशंसा का भी भाव होता है। अब ये हम लोग चर्चा कर लें कि वास्तव में एलिजी की पहचान कैसे होती थी ग्रीक लिटरेचर में। इन ग्रीक लिटरेचर एलिजी हैज डिस्टिंक्ट स्टेंजा फॉर्म, ये ध्यान रखिएगा, डिस्टिंक्ट स्टेंजा फॉर्म प्राचीन यूनान में एलिजी का एक विशिष्ट स्टेंजा फॉर्म होता था और वो ये है, फर्स्ट लाइन जो पहली लाइन लिखी जाती थी इन हेक्सामीटर, इन हेक्सामीटर,
हेक्जा कहते हैं सिक्स को। पहले लाइन में हेक्सामीटर यानी कि सिक्स मीटर। मीटर क्या है, जब प्रोसडी का टॉपिक उठाऊंगा तो उसके बारे में विशेष रूप से चर्चा होगी। तो छह मीटर लगते हैं और इन सेकेंड लाइन कंटेन्स पेंटामीटर। और दूसरी लाइन जो है वो पांच मीटर की। तो पहली लाइन में जो है छह मीटर लगते थे प्राचीन ग्रीक साहित्य में या ग्रीक पोएट्री में। एलेजिया की स्टेंजा जो पहली लाइन छह मीटर की होती थी और दूसरी लाइन पांच मीटर की होती थी, इसी को कहा जाता था एलेजिया कोपलेट। एलेजियाक कोपलेट। तो फिर से ये ध्यान रखिए कि एलेजियाक स्टेंजा क्या होता था कि पहली लाइन में जो है हेक्सामीटर यानी छह मीटर लगते थे और दूसरी लाइन में जो है वो पांच मीटर लगते थे, लेकिन जो राइम्ड स्कीम होती थी राइम्ड हुआ करती थी दोनों लाइन, राइट। तो फ्रेंड्स इतनी बात मैं समझता हूं क्लियर हो गई कि इन इंग्लिश लिटरेचर पर्टिकुलरली इट वॉज ओरिजिनेटेड इन ग्रीक लिटरेचर। फर्स्ट ऑफ ऑल इट वॉज कंपोज बाई कटुलस। इन रोमन लिटरेचर इट वॉज प्रोपेगेटेड बाई ओविड। इन एंशियंट ग्रीक दे हैड इन्वेंटेड सम स्पेसिफिक स्टेंजा फॉर्म फॉर एलर्जी, जिसको हम एलेजियाक कोपलेट भी कहते थे या एलेजियाक स्टेंजा भी कहते थे, जिसकी जो है पहली लाइन में छह मीटर लगते थे और दूसरी लाइन में जो है पांच मीटर लगते थे। दोनों का पैटर्न जो है आयम्बिक हुआ करता था। एलर्जी कि अगर हम काइंड्स की बात करें, एलर्जी कितने तरह की होती है, तो एलर्जी की अगर टाइप की बात की जाए, एलर्जी डियर दो तरह की होती है। एक तो क्या पर्सनल और दूसरी क्या होती है पास्टोरल। पर्सनल और पास्टोरल। तीसरी तरह की एलर्जी होती है इम पर्सनल। पर्सनल पोएट्री की बात क्या है, कंपोज्ड आर संग ऑन परमानेंट सेपरेशन। ऑन परमानेंट सेपरेशन ऑफ सम ब्लड रिलेशन। सम ब्लड रिलेशन आर नियरर एंड डियरर। कोई निकटवर्ती व्यक्ति, कोई अपना सगा संबंधी रक्त का कोई मित्र जब हमेशा के लिए हमसे बिछड़ जाए तो उसके प्रति जो दर्द का भाव है शब्दों का रूप जब ग्रहण करता है तो उस तरह की एलर्जी को हम पर्सनल एलर्जी कहते हैं। पास्टोरल एलर्जी एक महत्वपूर्ण पार्ट है, तो थोड़ा सा इसको हम लोग एलेबरेटली देखें कि पास्टोरल एलर्जी क्या है। पास्टोरल एलर्जी सबसे पहले जो है शब्द हम लेते हैं पास्टोरल। पास्टोरल मीन्स रिलेटेड टू पास्टर। द वर्ड पास्टर, पास्टर मीन्स रिलेटेड टू रूरल लाइफ।
रूरल लाइफ, ग्रामीण जीवन से जो संबंधित है उसी को हम पास्टोरल कहते हैं। और पास्टर मीन्स एक दूसरा भी होता है, पास्टर मीन्स टू ग्रेज चराना, और चराने का काम जो है वो शेफर्ड किया करते थे। तो पास्टोरल पोएट्री में एक खास तौर से ध्यान रखिए कि पास्टोरल पोएट्री में जो मेन कैरेक्टर या लीड कैरेक्टर होता है वो शेफर्ड होता है, और इसके साथ साथ जो है वो ब्यूकोलिक रिप्रेजेंटेशन होता है। ब्यूकोलिक सूक्ष्म चित्रण, कभी अपने आसपास के जितने भी वातावरण है माइन्यूटली और माइक्रोस्कोपिक डिस्क्रिप्शन उसको पेश करता है, जिसको ब्यूकोलिक कहते हैं। हालांकि ये नोट में ध्यान रखिएगा, थियोक्रिटस नाम याद रखिएगा, थियोक्रिटस वाज ओरिजिनेटर ऑफ, थियोक्रिटस वाज ओरिजिनेटर ऑफ पास्टोरल पोएट्री। पास्टोरल पोएट्री का जो है वो जनक फादर थियोक्रिटस था। ये यूनान का ग्रीक का रहने वाला था, लेकिन पास्टोरल पोएट्री को थोड़ा सा क्रूड फॉर्म में लिखा था, अनपॉलिश्ड वे में लिखा था थियोक्रिटस ने। पास्टोरल पोएट्री वाज अनरिफाइंड अनपॉलिश्ड। ये ध्यान रखिएगा कि थियोक्रिटस ने जो भी पास्टोरल पोएट्री लिखी थी वो अनरिफाइंड थी, अपरिमार्जित थी, अपरिष्कृत थी। इट वॉज पॉलिश्ड बाई वर्जिल, रोमन पोएट वर्जिल, और उसको थोड़ा सा निखारने का काम किया रोमन पोएट वर्जिल ने। पास्टोरल पोएट्री को जन्म देने वाला कौन है? थियोक्रिटस। लेकिन थियोक्रिटस ने जो भी पास्टोरल पोएम्स लिखी वो अनरिफाइंड थी, अनसोफिस्टिकेटेड थी, गैर परिमार्जित थी, अनगढ़ थी, लेकिन उसको थोड़ा सा सोफिस्टिकेशन देने का काम रोमन पोएट वर्जिल ने किया, और उसी को उसने कहा ब्यूकोलिका। ब्यूकोलिका का मतलब होता है माइक्रोस्कोपिक प्रेजेंटेशन ऑफ नेचर, प्रकृति का सूक्ष्म चित्रण, माइक्रोस्कोपिक प्रेजेंटेशन उसको कहते हैं क्या, ब्यूकोलिका। यानी कि थियोक्रिटस की जो क्रूड पोएट्री थी पास्टोरल, उसको रिफाइन करने का काम रोमन पोएट वर्जिल ने किया था। तो इतनी बातें ये स्पष्ट हो गई कि पास्टोरल जो शब्द है वो पास्टर से लिया गया है, और पास्टर मीन्स होता है टू ग्रेज चराना, चराने का काम जो है वो शेफर्ड किया करता है। और पास्टोरल का एक और भी अर्थ होता है रिलेटेड टू रूरल लाइफ, ग्रामीण जनजीवन का जो चित्रण है जो कविताओं में होता है उसी को हम पास्टोरल पोएट्री कहते हैं। लेकिन पास्टोरल एलिजी से इसका क्या संबंध है? तो पास्टोरल एलिजी की विशेषता के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर ली जाए। पास्टोरल पोएट्री के डियर तीन चरण होते हैं। पास्टोरल एलिजी इज डिवाइडेड इंटू थ्री स्टेप्स। पहली बात तो क्या होती है कि फर्स्ट फेज, पास्टोरल पोएट्री का जो फर्स्ट फेज होता है, पास्टोरल एलिजी हमेशा तीन चरणों में विभाजित होती है। फर्स्ट फेज, द पोएट
laments. The poet laments the death of his fellow shepherd. अपने साथी शेफर्ड की मौत का शोक मनाता है. पहले चरण में पोएट हिमसेल्फ प्रेजेंट्स द पोएट हिमसेल्फ प्रेजेंट्स हिमसेल्फ प्रेजेंट्स एज शेफर्ड. कवि खुद अपने आप को जो है एक शेफर्ड के रूप में पेश करता है और अपने साथी शेफर्ड की मृत्यु का जो है शोक मनाता है. इसके साथ साथ और भी ये है कि not only the poet but all objects of nature are mournful. पहले चरण में यह भी कवि दिखाता है कि केवल कवि ही अपने साथी शेफर्ड की मृत्यु के ऊपर शोकाकुल नहीं है, शोकमग्न नहीं है, बल्कि कवि के साथ साथ प्रकृति के जितने भी लिविंग नॉन लिविंग सेंसेट और इनसेंसेट ऑब्जेक्ट्स हैं, सब कवि के दुख में डूबे हुए हैं. तो पहले चरण में ये बात होती है पास्टोरल एलजी के. अब जरा हम सेकंड फेज की चर्चा कर लें. इन सेकंड फेज में द पोएट condemns death. दूसरे फेज में पोएट डेथ की निंदा करता है, भर्त्सना करता है, उसको कोसता है. He holds death responsible for death of his friend. वह मृत्यु को उत्तरदायी मानता है, रिस्पॉन्सिबल मौत को मानता है कि उसके साथी मित्र की मौत का कारण केवल और केवल क्या मौत बनी है. तो दूसरे चरण में वह मृत्यु को कंडेम करता है, मौत की निंदा करता है. लेकिन जो पास्टोरल एलिजी का थर्ड फेज है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है. तो थर्ड फेज के बारे में देखा जाए क्या होता है. थर्ड फेज, तीसरे फेज में द पोएट अज्यूम्स हिमसेल्फ एज फिलोसफर. कवि अपने आप को एक दार्शनिक के रूप में पेश करता है. आफ्टर सर्वेइंग एंड कमिंग टू अ कंक्लूजन दैट डेथ इज इनेविटेबल, इट कम्स टू एवरी लिविंग बीइंग, देन ही बिकम्स इंट्रोवर्ट. कवि जब चारों तरफ देख लेता है कि मृत्यु एक अनिवार्य तत्व है, प्रत्येक जीवित प्राणी की मौत सुनिश्चित है, तब वो थोड़ा सा अंतर्मुखी होकर के सोचता है, मृत्यु और इस जीवन जगत के सत्य के ऊपर विचार करता है एक फिलासफर की तरह से. तो तीसरे चरण में पास्टोरल एलजी के थर्ड फेज में कभी अपने आप को किस रूप में मान लेता है. अज्यूम्स हिमसेल्फ एज फिलासफर. डेथ इज नो
डेथ इज नो क्रुएलिटी टू हिम, डेथ इज नो क्रुएलिटी टू हिम, और फिर मृत्यु उसके लिए कोई क्रूरता या क्रूर सत्ता नहीं होती है. ही सेलिब्रेट्स डेथ, ही सेलिब्रेट्स डेथ, वह मौत का उत्सव मनाता है. ही थिंक्स दैट डेथ इज ए थ्रेशहोल्ड, दैट डेथ इज अ थ्रेशहोल्ड. थ्रेशहोल्ड कहते हैं प्रवेश द्वार को. डेथ इज ए थ्रेशहोल्ड पासिंग थ्रू विच, पासिंग थ्रू विच ह्यूमन सोल मिंगल्स विद mingles with supreme soul. तो पास्टोरल एलजी का जो तीसरा चरण है, थर्ड फेज है, वो काफी महत्वपूर्ण है. फर्स्ट फेज में क्या होता है, द पोएट इज माउंडफुल, ही वीप्स ऑन द बेरिवमेंट ऑफ हिज फेलो शेफर्ड. Not only the poet, but all objects of nature are immersed with him in sorrow. न केवल कवि शोक में डूबा है, बल्कि प्रकृति के जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी प्राणी हैं, वो भी कवि के साथ शोक में डूबे हुए हैं. दूसरे चरण में the poet holds death to be responsible for the permanent separation of his fellow shepherd. अपने साथी शेफर्ड के हमेशा के लिए बिछड़ जाने का उत्तर दाई वो केवल मृत्यु को मानता है, मृत्यु की भरपूर निंदा करता है. लेकिन पास्टोरल एलजी के थर्ड फेज में, जो कि काफी महत्वपूर्ण पार्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ पास्टोरल एलजी है, इसमें कवि अपने आप को किस रूप में, ही लाइक ए फिलोसफर पांडर्स ओवर द ट्रुथ बिहाइंड डेथ, के मृत्यु के पीछे क्या सत्य है, इसके ऊपर गहराई से विचार करता है. एंड ही हिमसेल्फ कंक्लूड्स दैट डेथ इज इनिविटेबल, कि मृत्यु अनिवार्य है. सूनर आर लेटर, टुडे आर टुमारो आर ईयर्स आफ्टर, इट कम्स टू एवरी लिविंग बीइंग. तो वो मृत्यु को एक अटल सच्चाई मान लेता है, एक फिलोसफिक अंदाज में, और ये कहता है कि मृत्यु कोई क्रूर चीज नहीं है. इट इज नॉट वर्थ कंडेमनेशन, इट इज लाइक ए थ्रेशहोल्ड, ये एक ऐसा प्रवेश द्वार है जिससे कि गुजर करके मानव आत्मा क्षुद्र सत्ता को तोड़ करके परम सत्ता में, विराट में विलीन हो जाती है. तो पास्टोरल एलजी का जो थर्ड पार्ट है वो काफी महत्वपूर्ण है डियर. तो पर्सनल एलजी की अगर बात की जाए, तो पर्सनल एलजी जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया, इट इज कंपोज्ड आर संग on the permanent separation of someone nearer or dearer, or on the death of some relation, blood relation, or some dear friends. और ये भी ध्यान रखिएगा कि it is also composed on the death of some prominent national figure. जैसे कि अगर हम वॉल्ट व्हिटमैन की बात करें, तो वॉल्ट व्हिटमैन ने अब्राहम लिंकन के ऊपर एक एलजी लिखी थी, और उसका टाइटल आप लोगों ने पढ़ा होगा, ओ कैप्टन माय कैप्टन. अब्राहम लिंकन वाज नॉट अ ब्लड रिलेशन ऑफ वॉल्ट व्हिटमैन, बट अब्राहम लिंकन वाज ए प्रोमिनेंट नेशनल फिगर. ही वाज प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, एंड हिज डेथ बिकम्स द थिंग ऑफ मॉर्निंग फॉर अमेरिका, नॉट ओनली फॉर अमेरिका बट फॉर ऑल द वर्ल्ड. तो अगर कोई राष्ट्रीय महत्व का कोई व्यक्तित्व है, उसके भी मृत्यु के ऊपर जो शोक गीत रचे जाते हैं, वो भी पर्सनल एलजी में शुमार किए जाते हैं, उनको भी पर्सनल एलजी में इंक्लूड किया जाता है. और दूसरा है क्या आपका पास्टोरल एलजी,
मैं थोड़ा सा एक बार फिर समाप्त कर दूं. द वर्ड पास्टर इज अ ग्रीक वर्ड विच मीन्स टू ग्रेज आर द प्रेजेंटेशन ऑफ रूरल एरियाज आर रूरल लाइफ. ग्रामीण जनजीवन का जो प्रस्तुतिकरण है उसको भी हम जो है पास्टर कहते हैं. लेकिन मूल अर्थ जो है पास्टर का वो टू ग्रेज है. एंड यू नो इट वेरी वेल द टास्क ऑफ ग्रेजिंग इज डन बाई शेफर्ड. ये चराने का काम जो है वो गड़ेरिए किया करते हैं, शेफर्ड किया करते हैं. तो पास्टोरल एलिजी का जो सेंट्रल फिगर होता है वह शेफर्ड होता है. पास्टोरल एलिजी को, हालांकि पास्टोरल पोएट्री की एक सब जेनर है, ये भी ध्यान रखिएगा. एलिजी इज सब जेनर ऑफ पास्टोरल पोएट्री. पास्टोरल पोएट्री तो बातें तय हो गई कि अगर हम एलिजी की बात करें, पास्टोरल एलिजी की, तो यह पास्टोरल पोएट्री की एक उपविधा है, सब जेनर है. पास्टोरल पोएट्री में कवि तीन चरणों में पास्टोरल पोएट्री को तोड़ता है. फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज और थर्ड फेज. फर्स्ट फेज में, जैसा कि हम लोगों ने चर्चा कर लिया, फर्स्ट फेज में कवि अपने साथी शेफर्ड की मौत के ऊपर शोक मनाता है. कवि स्वयं को एक शेफर्ड के रूप में अज्यूम करता है, मानता है और यह भी दिखाता है कि केवल कवि जो कि शेफर्ड के रूप में है, केवल वही दुखी नहीं है, बल्कि उसके साथ साथ प्रकृति के जितने भी एलिमेंट हैं, चाहे वो लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, सजीव हो या फिर निर्जीव हो, सबके सब कवि के साथ दुख में डूबे हुए हैं. दूसरे चरण में वह मौत की निंदा करता है, मौत को कोसता है और ये कहता है कि मौत ही है जो जिम्मेदार है उसकी, उसके साथी के हमेशा से बिछड़ जाने के लिए. तो दूसरे चरण में कवि मौत को कंडेम करता है, लेकिन तीसरे चरण में कवि अपने आप को एक फिलासफर के रूप में मान लेता है और ये देखता है कि एक अटल सच्चाई है, मृत्यु सबको आती है और मृत्यु एक प्रवेश द्वार बन जाती है. मानव की जो क्षुद्र आत्मा है, जब अपनी क्षुद्र सीमा को तोड़ती है और क्षुद्र सीमा को तोड़ने का काम डेथ करती है, मृत्यु करती है, तो मृत्यु वो प्रवेश द्वार बन जाती है जिससे गुजर करके मानव आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है. तो ये पर्सनल पोएट्री और पास्टोरल, पर्सनल एलजी और पास्टोरल एलजी की हम लोगों ने चर्चा कर लिया. अब जरा ये देखा जाए कि तीसरे तरह की जो है एलजी क्या है. तो तीसरी तरह की एलजी है डियर, वो आपकी है इम्पर्सनल. जैसा कि शब्द ही इम्पर्सनल का, विच इज नॉट रिलेटेड टू एनी पर्टिकुलर फिगर, पर्टिकुलर सब्जेक्ट और पर्टिकुलर पर्सन. जो किसी ऐसा शोक गीत जो किसी व्यक्ति विशेष से संबंधित ना हो, या इस तरह का शोक गीत, इस तरह की एलजी जिससे संपूर्ण मानव जाति के प्रति सेंटिमेंट व्यक्त किया गया हो, संवेदना व्यक्त की गई हो, तो इस तरह की पोएट्री, इस तरह की एलजी को हम किस नाम से जानते हैं? इम्पर्सनल एलजी. थोड़ा देखा जाए, इम्पर्सनल एलजी. तो ये ध्यान रखिएगा, इन एटींथ सेंचुरी इट वॉज थॉमस ग्रे हु एस्टेब्लिश्ड इम्पर्सनल पोएट्री, इम्पर्सनल एलिजी. 18वीं सदी में थॉमस ग्रे ने इम्पर्सनल एलिजी को एस्टेब्लिश किया.
इन इंग्लिश लिटरेचर. अंग्रेजी साहित्य में इंपर्सनल एलिजी को एस्टेब्लिश करने का काम थॉमस ग्रे ने किया. न केवल थॉमस ग्रे, अच्छा इसको थोड़ा ये देख लिया जाए, व्हेन ही रोट स्टेंजास रिटेन इन ए कंट्री चर्चयार्ड, स्टेंजास रिटेन इन अ कंट्री चर्चयार्ड. और डियर फ्रेंड, फिर यहीं से जो है ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ पोएट्री. तो इंपर्सनल एलिजी का प्रोपेगेटर कौन है? 18वीं सदी में थॉमस ग्रे ने एक अलग तरह की एलिजी लिखी थी जिसका नाम दिया गया इंपर्सनल एलिजी. ग्रे ने यह सोचा कि दुख या संवेदना केवल अपने निकटवर्ती व्यक्ति के गुजरने पर ही नहीं होती है. पास्टोरल एलिजी, जो कि एक सार्वभौमिक थीम लेकर के जो दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर लागू होती है, लेकिन इंपर्सनल एलिजी ऐसी एलिजी कि जो अनाम गुमनाम, जिनका इतिहास के पन्नों में कोई जिक्र नहीं है, आखिर वो भी तो मृत्यु को प्राप्त होते हैं, तो उनके प्रति जो संवेदना व्यक्त की गई, उस तरह की एलिजी को क्या उसने नाम दिया? इम्पर्सनल एलिजी. और उसका एक उदाहरण स्टेंजास रिटेन इन ए कंट्री चर्चयार्ड, देहाती कब्रिस्तान में लिखी गई कुछ पंक्तियां. इसमें यह भी ध्यान रखना कि इन इट ग्रे म्यूजेस द डेथ ऑफ those villagers the death of those villagers who remained all their lives unknown, unsung, and uncelebrated. ऐसे ग्रामीण व्यक्तियों के मृत्यु के ऊपर अपनी संवेदना व्यक्त किया है स्टेंजास रिटेन इन ए कंट्री चर्चयार्ड में, कि जो सीधे साधे ग्रामीण वासी अपने पूरे जिंदगी गुमनाम रहे, उनके बारे में किसी ने कोई प्रशंसा गीत नहीं गाया, और जिसके बारे में मौत के ऊपर कोई शोक संवेदना व्यक्त नहीं की गई, तो इस तरह की एलिजी को क्या कहा गया? इम्पर्सनल एलिजी, राइट. और यहीं से ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ पोएट्री का जन्म होता है. ग्रेवयार्ड, या फिर नोट लिख लीजिएगा, इट वॉज थॉमस ग्रे हु gave birth to Graveyard School of Poetry. Graveyard School of Poetry. प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि Graveyard School of Poetry का जनक कौन है? तो वो है आपके थॉमस ग्रे. ओके डियर.
और ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ पोएट्री में थॉमस यंग भी है, थॉमस यंग। थॉमस यंग की जो पोयम है नाइट थॉट, नाइट थॉट, और दूसरा ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ पोएट्री यानी कविता की वो विचारधारा जो ग्रेवयार्ड यानी कब्रिस्तान से संबंधित हो, और दूसरा कवि है रॉबर्ट ब्लेयर, रॉबर्ट ब्लेयर, BLAIR, रॉबर्ट ब्लेयर की जो पोयम है ग्रेव। तो ग्रेवयार्ड ऑफ स्कूल ऑफ पोएट्री के प्रोपेगेटर तीन लोग हैं, थॉमस ग्रे तो ओरिजिनेटर है और इसके साथ साथ एसोसिएटेड हैं थॉमस यंग। थॉमस यंग की रचना है नाइट थॉट, ये थॉट है डियर, और रॉबर्ट ब्लेयर की रचना है ग्रेव, ये एलिजी हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इंग्लिश लिटरेचर में फेमस एलिजीज कौन कौन सी हैं, तो एक नजर जो है पीडीएफ पर देख ली जाए। फेमस एलिजीज इन इंग्लिश लिटरेचर, ये एलिजी राइटर यानी पोएट कौन है, किसकी मृत्यु के ऊपर लिखा गया, और फिर उसका जो है टाइटल क्या है। तो स्पेंसर, एडमंड स्पेंसर ने फिलिप सिडनी के मौत के ऊपर लिखा था और उसका टाइटल रखा था एस्ट्रोफेल। एस्ट्रोफेल के बारे में कल जो है सेनेट में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। जॉन स्केल्टन, उसने एडवर्ड फोर्थ की मृत्यु के ऊपर लिखा था और टाइटल रखा था डर्ज ऑफ एडवर्ड फोर्थ। थॉमस ऑकलेब, कहीं कहीं पर इसको थॉमस हॉकलेब भी कहते हैं, तो चाहे आप ऑकलेब कहें या फिर हॉकलेब कहें, दोनों सही है। थॉमस ऑकलेब कंपोज्ड एलिजी ऑन द डेथ ऑफ चौसर एंड इट्स टाइटल वाज रेजिमेन ऑफ प्रिंसेस। मिल्टन ने एलिजी लिखी थी अपने मित्र एडवर्ड किंग की मृत्यु के ऊपर और उसका टाइटल रखा था लिसीदास। ये भी ध्यान रखिएगा कि लिसीदास हैज टू कैरेक्टरिस्टिक्स, बोथ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलिजी। लिसीदास इज कंसीडर्ड एज पर्सनल एलिजी बिकॉज लिसीदास एडवर्ड किंग वाज पर्सनल वेरी इंटीमेट फ्रेंड ऑफ मिल्टन, तो इसको पर्सनल एलिजी भी कह सकते हैं। एंड इट हैज ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पास्टोरल पोएट्री, तो इसलिए इसको हम पास्टोरल एलिजी भी कहते हैं। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि विच टाइप ऑफ एलिजी लिसीदास इज, अगर ऑप्शन ए में दे दिया जाए पर्सनल, दूसरे में दे दिया जाए पास्टोरल, तीसरे में जो है इम्पर्सनल, और चौथे ऑप्शन में बोथ ए एंड बी, तो आपका ऑप्शन होगा क्या डी, क्योंकि लिसीदास में पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स भी है और पास्टोरल क्वालिटी भी है, इसलिए दोनों है, पर्सनल भी है और पास्टोरल भी है। ड्राइडन ने लिखा क्रॉमवेल की, ओलिवर क्रॉमवेल की मृत्यु के ऊपर और टाइटल है हीरोइक स्टेंजास ऑन द डेथ ऑफ क्रॉमवेल। टेनिसन ने लिखा अपने मित्र हेनरी हैलाम के ऊपर और टाइटल है इन मेमोरियम। शेली ने जॉन किट्स की मौत के ऊपर लिखा था और एलिजी का नाम था एडोनिस। फिर मैथ्यू अर्नाल्ड ने तीन एलिजी लिखी थी, पहली एलिजी एएच क्लफ की मृत्यु के ऊपर और उसका टाइटल था थिर्सिस। मैथ्यू अर्नाल्ड ने अपने पिता थॉमस अर्नाल्ड की मृत्यु के ऊपर लिखा था, टाइटल दिया रग्बी चैपल, रग्बाई चैपल भी कहते हैं लोग इसको। और तीसरी एलिजी अननोन स्कॉलर के ऊपर, अननोन क्यों कि कैम्ब्रिज में एक विद्यार्थी पढ़ता था लेकिन पैसे के अभाव और गरीबी के कारण वह यूनिवर्सिटी को गुड बाय बोलता है। फिर एक जिप्सी का जीवन, एक यायावर बंजारे का जीवन, काफी समय के बाद वो व्यक्ति बंजारे के रूप में मिला था तो उसकी मृत्यु के ऊपर स्कॉलर जिप्सी लिखा था।
W.H. ऑर्डन ने W.B. एड्स की मृत्यु के ऊपर लिखा और एलिजी का टाइटल दिया इन मेमोरी ऑफ एड्स। थॉमस ग्रे ने अननोन विलेज पाथ, जैसा कि अभी इम्पर्सनल एलिजी स्टेंजाज रिटेन इन ए कंट्री चर्च यार्ड की हम लोगों ने चर्चा किया, तो अननोन विलेज पाथ की मृत्यु के ऊपर अपनी संवेदना व्यक्त करता है और टाइटल है स्टेंजाज रिटेन इन ए कंट्री चर्च यार्ड। वॉल्ट व्हिटमैन ने अब्राहम लिंकन की मृत्यु के ऊपर लिखा, टाइटल रखा क्या, ओ कैप्टन माय कैप्टन। तो डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग पर्सनल पोएट्री के सेकेंड पार्ट यानी एलिजी के बारे में चर्चा की। कल हम लोग ओड की चर्चा करेंगे, ओड के कितने टाइप होते हैं और ओड की ओरिजिन कहाँ है, इंग्लिश लिटरेचर में कितने तरह के ओड हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी एंड वंस अगेन द टारगेट विद आलोक वेलकम्स यू ऑल। इट एक्सप्रेसेस इट्स गुड विशेस फॉर योर ब्राइट सक्सेस। थैंक यू वंस मोर। थैंक यू वेरी मच।